वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी वार्निंग, ये वीडियो सिर्फ सुपर बाइक्स के स्टॉक की वीडियो है। काफी सारी कमेंट्स आ रही थी यार कि मेरे को स्टॉक बता दो भैया, मेरे को बाइक लेनी है, तो स्टॉक की वीडियो एक अलग से बना दी है मैंने। तो जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स है ना, परेशान मत होना, बाकी की वीडियोस वैसी बनेंगी जैसे हमारी बनती हुई आई है। और जो नए व्यूअर्स इस वीडियो के थ्रू मेरे साथ जुड़ रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब करें, बिना मत जाना, बेल आइकन जरूर दबा देना अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। तो गाइस वीडियो एंजॉय करो। नेक्स्ट बाइक है निंजा 1000 विच इज ब्लैक कलर। तू क्यों हंस रहा है यार? सर अब ये वाली तो हंसने की बात ही नहीं। बाइक के बारे में बता भाई। ओ भैया चल सर अब हर पल जप तेरा नाम। सत श्री अकाल फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आपके? ठीक ही हो गए यार। सो गाइस आज सबसे पहले ना आप एक पेपर और एक पेन अपने पास रख लो, क्योंकि जो बाइक का स्टॉक आपको आज बताने लगे वो टिप्स पे नहीं रह सकता। तो सबसे पहले पेपर और पेन, और कोई फालतू बात नहीं होगी आज, सिर्फ और सिर्फ बाइक का स्टॉक दिखाऊंगा। उससे पहले आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ अपने नए मेंबर से, सरब सिंह। सरबजोत सिंह ये अब हमारे साथ काम करेगा और सेल्स में ये भी देखेगा, तो आगे की जो वीडियोस होंगी आप उसमें इसको भी देखोगे। सरब अभी आप क्या कर रहे हो? मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, अभी ये इसकी चल रही है, तो इन बिटवीन इसको ऑप्शन अच्छा मिल गया तो कहता पाजी मैं भी कर लूँ। मैंने कहा आजा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज फालतू बात ना करते हुए आपको सबसे पहले मैं बाइक्स का स्टॉक बताऊंगा, जिसमें कि 21 बाइक्स हैं हमारे पास आज। मानोगे यार, कभी मैंने 21 बाइकें इकट्ठी नहीं दिखाई। सर तू पहले वीडियोस देखता था मेरी, कभी दिखाई है? नहीं दिखाई। तो पहले ना हम क्या करते थे, सिर्फ कावासाकी की बाइक ज्यादा रखते थे, बट हमने अभी रिसेंटली अदर ब्रांड्स में भी स्टार्ट कर दिया। कुछ अगर अच्छी बाइक्स आती थी, हम पहले ना करते थे कि नहीं यार हम लेते ही नहीं है, सिर्फ कावासाकी रखते हैं। बट अब जो मोटोमार्ट हमारा प्री ओन्ड बाइक्स का अलग सेक्शन बना ना, उसमें हम अदर ब्रांड्स भी रखते हैं। तो वो मैं आपको बता दूं कि क्या क्या मेरे पास अभी स्टॉक है, उसके बाद आपको बाइक्स दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको कावासाकी की बाइक्स बताता हूँ। निंजा 300 जो सबसे ज्यादा डिमांड वाली बाइक है ना भाई, निंजा 300 है। मैक्सिमम कॉल्स किसकी आती है? निंजा 300। ये कॉल्स आजकल अटेंड करता है तो बताता है पाजी 300 कब आएगी, तो उसकी अलग वीडियो बनाऊंगा। तो उसकी सारी स्पेसिफिकेशन जो BS6 की आने वाली है वो तो मैं आपको बताऊंगा, बट प्री ओन्ड में मेरे पास निंजा 300 जो है वो मैं आपको बताता हूँ। एक है 2018 मॉडल विच इज KRT एडिशन, और एक है 2018 मॉडल जो नए वाला कलर आया था ग्रीन कलर वो। उसके बाद आती है निंजा 650 KRT एडिशन विच इज 2018 मॉडल अगेन सेकंड ओनर, वो मैं आपको डिटेल्स अभी बताऊंगा। उसके बाद है वर्सेस 650, भाई बहुत डिमांड आ रही है प्री ओन्ड वर्सेस 650, कितने लोग पूछते हैं, हर एक कस्टमर वर्सेस वाला ये पूछेगा प्री ओन्ड में है कि नहीं है। करेक्ट। तो अब जो बाइक मेरे पास है ना वो किस्मत वाले के पास ही जाएगी, क्योंकि वो 2020 मॉडल है और सिर्फ 300 किलोमीटर चली है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद है Z900 2018-19 मॉडल, बहुत डिमांडी बाइक है। उसके बाद आती है भाई आपकी प्यारी प्यारी ZX10R विच इज अगेन 2020 मॉडल, और एक है 2018 मॉडल। तो भाई अल्टीमेट प्राइस के साथ अभी मैं आपको सारी बाइक्स दिखाने वाला हूँ। उसके बाद आती है ZX14R। अरे भाई आपको मैंने कम से कम 3-4 वीडियोस में बताया कि भाई ZX14R आने वाली है, तो वो फाइनली आ गई है, तो वो भी आपको अभी दिखा देते हैं। उसके बाद आती है निंजा 1000 विच इज 2019 मॉडल, ब्लैक कलर, बहुत अच्छी कंडीशन में, आपको प्यार हो जाएगा बाइक से, वो भी दिखाऊंगा। उसके बाद आती है निंजा 1000 2020 मॉडल, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। उसके बाद आती है हमारी अदर ब्रांड्स की बाइक, उसका स्टॉक बताता हूँ आपको। सबसे पहले आती है BMW स्कैम्बलर विच इज सोल्ड आउट, ये तो हमारी बिक गई ना परसों, ये बिक गई, सॉरी यार ये नहीं है। उसके बाद आती है हमारी हार्ले डेविडसन फैट बॉय विच इज 2016 मॉडल, बहुत अच्छी कंडीशन में दिखाता हूँ। उसके बाद आती है बेनेली TRK 502, पहले भी दिखाई थी मैंने वो आपको, बट अभी बिकी नहीं है तो मेरे पास अभी खड़ी है, वो भी दिखाऊंगा आपको। फैट बॉय 2010 मॉडल भी आ गया है, ट्रीट 750 2014 मॉडल भी आ गया, ट्रीट रॉड 2017 मॉडल, आयरन 883 14 मॉडल भी है, एक 16 मॉडल भी है। बेनेली 600i विच इज अगेन 2017 मॉडल, बहुत अच्छी बाइक है। बेनेली 302R वो भी है मेरे पास। इसके अलावा हमारे पास एक फैट बॉय और इंडियन भी खड़ी थी, जो मैंने आपको पहले भी कुछ वीडियोस में दिखाई है, तो टाइम अभी खराब नहीं करेंगे यार सरब, ये कहते हैं कि तुम बातें बड़ी करते हो, चीजें कम दिखाते हो, तो बाइक्स आज दिखा देते हैं और करते हैं वीडियो की शुरुआत। बल्ले बल्ले ते शावा शावा, आ गया आपका हर्ष पावा, शाबाश। ऑकवर्ड लग रहा है? नहीं। तू मेरे साथ बैठा ना इसलिए तेरे को ऑकवर्ड लग रहा है, मेरे को भी लग रहा था तेरे आगे कैसे कर रहा हूँ, हमेशा अलग करता था मैं। चले बाइक दिखाएं सबको, चल आटा।
सो बाइक्स दिखाने से पहले आपको एक बंदे से मिलवाता हूँ जो कि हमारी बाइक्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है। इसका नाम है भाई सिमरन। पहले भी आप वीडियोस में इसको देख चुके हो। सिमरन कितनी मेहनत लगती है भाई बाइक्स का ध्यान रखने में? कितना मतलब सुबह से ना बेचारा जल्दी आता है और बाइक्स का पूरा ध्यान रखता है। हमारी जितनी बाइक्स होती हैं सबकी टेक केयर ये करता है। तो यार वेल डन यार सिमरन, है ना। मैंने कहा सबसे पहले इसको मिलवाऊँ, उसके बाद आपको बाइक्स दिखाऊंगा कितनी चमकती दमकती हमारे पास बाइक्स खड़ी है। और हाँ, जितना भी आपको अभी स्टॉक बताया ना मैंने, उसमें से कुछ बाइक्स अभी हमारे पास डिस्प्ले में नहीं है। सिमरन कुछ रेडी हो रही है ना बाइक्स? हाँ कुछ रह गई, कल तक मिल जाएंगी। हाँ तो 4-5 बाइक्स है वो कल तक रेडी हो जाएंगी। तो कुछ बाइक्स आज वीडियो में मिसिंग रहेंगी, बाकी की बाइक्स आपको अभी दिखानी स्टार्ट करता हूँ। चलो सो गाइस, हमारी फर्स्ट बाइक है बहुत ज्यादा फेमस, जो कि 4 सिलेंडर में सबसे ज्यादा डिमांडिंग बाइक है, Z900 विच इज 2019 मॉडल और सिर्फ 2700 किलोमीटर के आसपास चली है और सिंगल ओनर दिल्ली रजिस्टर्ड है। और इस बाइक की हम कुछ डिमांड कर रहे हैं 7,40,000 रुपए। क्या क्या लगा वो भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले इसमें लार्ज विंडस्क्रीन लगी हुई है एंड ये फोन होल्डर भी साथ में लगा हुआ है और इसकी रेडिएटर ग्रिल विच इज इवोटेक अगेन। तो बहुत अच्छी बाइक है, बिल्कुल क्लीन कंडीशन है। तो क्या कहता है सर, कैसी बाइक है? बाइक तो एक नंबर है, अल्टीमेट है ना। चलो आपको अगली बाइक दिखाता हूँ, वो इससे भी ज्यादा अल्टीमेट है। सो यार हमारी नेक्स्ट बाइक है निंजा 300 विच इज 2018 मॉडल सिंगल ओनर, जो KRT एडिशन आता था ना, बाहर से पार्ट्स आते थे यहाँ पे असेंबल होती थी, वो वाली बाइक है भाई। और चली कितनी है? 15,000 किलोमीटर। तो भाई अल्टीमेट कंडीशन है, आपको दिखाता हूँ। एज गुड एज न्यू बाइक है, बिल्कुल स्टॉक बाइक है, बस सिर्फ टैंक पैड और नी पैड लगा हुआ है। इवन इसके टायर्स भी दोनों ब्रांड न्यू है और इसका प्राइस हम डिमांड कर रहे हैं 2,35,000 के आसपास। सिंगल ओनर दिल्ली रजिस्टर्ड है, तो भाई वैल्यू फॉर मनी है। और जिसको भी स्टार्ट करना होता है ना, सारे बार बार फोन करके क्या पूछते हैं भाई, निंजा 300। तो उन कस्टमर्स के लिए बहुत अच्छी बाइक है जिनको स्टार्ट करना है कावासाकी में। और इसके अलावा मेरे पास 2018 मॉडल एक और बाइक है निंजा 300, उसकी डिटेल्स आप शोरूम आओगे वो भी दिखा दूंगा। ग्रीन कलर बाइक है, नीचे कुछ रेडी हो रही है अभी। तो 4-5 बाइक आपको मैंने बोली थी ना जो नहीं दिखा पाऊंगा, उसमें से वो भी है एक। तो शोरूम आओ यार, जिनको स्टार्ट करना है, कम बजट में स्टार्ट करना है, वो ये बाइक ले सकते हैं। आओ अगली बाइक दिखाएं भाई। चलो, देखो प्यार हो गया ना हमारी बाइक से, लड़के को प्यार हो गया भाई, फिदा हो गया हमारी बाइक पे। तो हमारी नेक्स्ट बाइक है निंजा 1000 विच इज अगेन वेरी डिमांडिंग बाइक, बहुत अच्छी कंडीशन। तो गाइस हमारी नेक्स्ट बाइक है निंजा 1000 विच इज ब्लैक कलर। तू क्यों हंस रहा है यार सारा, ये वाली तो हंसने की बात ही नहीं। क्यों हंस रहा है यार, क्यों हंस रहा है यार, बता। नीचे लेटा पड़ा हंस के मैम, ऐसा क्या करा मैंने? प्राइस हमारी नेक्स्ट बाइक है निंजा 1000 विच इज 2020 मॉडल और हरियाणा रजिस्टर्ड है, सिंगल ओनर बाइक है, बिल्कुल साफ कंडीशन है गाइस। एक बार दिखा देता हूँ आपको, आगे से स्टार्ट करते हैं। टायर्स बिल्कुल ब्रांड न्यू है, भैया ने स्टिकरिंग भी कराई हुई थी, बहुत मेंटेन्ड बाइक है भाई। टैंक पैड, नी ग्रिप्स, मतलब बहुत चमकती दमकती बाइक है हमारी। सरफ हम बाइक का प्राइस क्या मांग रहे हैं बता दे सबको। 9,35,000 नई बाइक का प्राइस है, 12,50,000 और इस बाइक का हमने 935 रखा है। वैल्यू फॉर मनी है, एक बार शोरूम आओ, चमकती दमकती बाइक है, बहुत अच्छी कंडीशन में है। सरफ अगली बाइक दिखाएं। तो अगली बाइक है हमारी वर्सेस 650, बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी कि भाई टूरिंग बाइक है तो भैया बता दो। तो आ गई है फाइनली, दिस इज 2020 मॉडल, BS6 मॉडल है और सिर्फ 300 किलोमीटर चली है। एक बार आपको एक चीज बताता हूँ, हमारे ना एक कस्टमर है जो हर महीने कुछ बाइक्स खरीदते हैं और बहुत जल्दी जल्दी बेचते हैं, उनको हर बाइक का एक्सपीरियंस लेना होता है। तो उन्हीं की बाइक है, सिर्फ 300 किलोमीटर चली है। सर अब क्या कह रहे हैं इस बाइक के बारे में? ब्रांड न्यू बाइक है, इससे बढ़िया डील मिलेगी नहीं आपको। ये बात करी लड़के ने बिल्कुल सही। तो आपको एक बार बाइक दिखाता हूँ, आगे से लेकर पीछे तक की कंडीशन चेक करो यार, मतलब बिल्कुल ब्रांड न्यू है। 300 किलोमीटर होता ही कितना यार, ऊपर से ये टैंक पैड भी लगा हुआ है, आपको दिखा देता हूँ, जस्ट 375 किलोमीटर रिटर्न। सो जो नई बाइक आती है ना, उसका प्राइस होता है कुछ 7,80,000 के आसपास। तो ये सिर्फ 300 किलोमीटर चली है, सिंगल ओनर है, दिल्ली रजिस्टर्ड है और इस बाइक का प्राइस हम मांग रहे हैं 6,80,000। क्या कहता सर? बढ़िया है। ये भी कह रहा था, नहीं पाजी यार अब कम मांग रहे हो। मैं कहा नहीं ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर अब नेक्स्ट बाइक दिखाते हैं। जल्दी चल, मतलब यार वैलेंटाइन वीक चल रहा है और इतनी सेक्सी बाइक खड़ी हो तो आप किस नहीं करोगे, तो कैसे होगा यार, मतलब हो ही नहीं पाएगा। तो मैं आपको एक चीज बता दूं यार, हनीकॉम 2020 मॉडल बहुत ज्यादा डिमांड में था, ऊपर से इतनी कम चली हुई बाइक ना कहीं पे नहीं मिलेगी आपको, सिर्फ 1600 किलोमीटर चली हुई है। आओ आपको बाइक दिखाता हूँ पूरी। तो आगे से स्टार्ट करते हैं, टायर सिर्फ 1600 किलोमीटर चले हुए हैं, फॉग प्रोटेक्टर, अंदर रेडिएटर ग्रिल लगी हुई है, ऊपर आगे इसकी जीरो ग्रेविटी विंडस्क्रीन लगी हुई है, टैंक पैड ये कंपनी फिटेड आता है, नी ग्रिप्स इसकी लगी हुई आती है और इस तरफ अगर आप देखोगे तो फ्रेम स्लाइडर्स भी लगे हुए हैं। और भाई साहब मतलब क्या ही कहने, SC प्रोजेक्ट का फुल सिस्टम एग्जॉस्ट और टायर्स बिल्कुल साफ, ZX स्टैंडर्ड विद SC प्रोजेक्ट फुल सिस्टम। और आवाज ना सुनाऊं आपको, ऐसा हो सकता है?
सो नई बाइक जो आएगी ना भाई, जिसमें कुछ भी नहीं लगा होगा, एग्जॉस्ट, फ्रेम स्लाइडर, फॉग प्रोटेक्टर, कुछ भी नहीं लगा होगा, वो आएगी 17 लाख रुपए की। और इस बाइक का यार सिर्फ क्या कहता है, एक साल पुरानी बाइक है, एक साल पुरानी बाइक। तो हम जो डिमांड कर रहे हैं इसकी 14,75,000 विद ऑल दीज एक्सेसरीज, सारा कुछ ओरिजिनल लगा हुआ है, ब्रांड न्यू कंडीशन बाइक है। तो भाई जिसको भी बाइक चाहिए ना जल्दी आ जाओ। और अगर आपको टेनआर ही लेनी है और आपका बजट थोड़ा कम है तो आपको अगली बाइक दिखाता हूं जरा। ZX10R, सो दिस इज 2018 मॉडल और भाई ये 19,000 किलोमीटर चली हुई है। इसमें भी आपको रेडिएटर ग्रिल, फ्रेम स्लाइडर्स, एग्जॉस्ट सब मिलेगा। इसमें एग्जॉस्ट अभी लगा नहीं हुआ बट इसके साथ आपको रेस फिट का एग्जॉस्ट मिलेगा। तो इस बाइक का जो हम प्राइस कोट कर रहे हैं कुछ 12,80,000 के आसपास कर रहे हैं, विच इज जायज भाई साहब। तो जिसको भी भाई बाइक चाहिए ZX10R, वो इन दोनों बाइक में से एक सेलेक्ट करके ले जा सकता है। तो आज आपको अगली बाइक दिखाते हैं। तो इस बाइक के बारे में बताएगा सरब हमें। चल भाई सरब खड़ा होगा, कैसे सीखेगा वो मैं नहीं जा रहा, सब दिखाऊंगा। सरब 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 यार आजा, पक्का भाई पक्का। भाजी ये मत डालो यार, मत डालो, पागल हो गया? नहीं यार, वो नहीं स्मार्ट लग रहा है। ओ ये सब नहीं यार, मैं डाल ही दूंगा मैं अपने। आजा अच्छा ठीक है आजा। अबे भाई आजा, कैसा बंदा है यार, बहुत है ही वो, मेरे को पता नहीं है क्या। ओ भाई साहब बोल ना, मुझे मारो। कोई बात नहीं, बोल बाइक के बारे में बता भाई। अबे यार चल सर, अब तो अभी सरब को थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक मैं ही आपको बाइक्स के बारे में बता देता हूँ। सो दिस इज 2018 मॉडल, आई थिंक सेकंड ओनर बाइक है, सिर्फ और सिर्फ 8,000 किलोमीटर चली हुई और इसमें सारी बेसिक एक्सेसरीज लगी हुई है भाई, फ्रेम स्लाइडर, रेडिएटर ग्रिल, टायर्स इसके बिल्कुल ब्रांड न्यू है। अब आपको दिखाता हूँ, तो टायर्स आर ब्रांड न्यू, बीच में इसकी रेडिएटर ग्रिल लगी हुई है, फ्रेम स्लाइडर्स लगे हुए हैं, आई थिंक टैंक पैड भी लगा हुआ है। सो सेकंड ओनर बाइक, दिल्ली रजिस्टर्ड, 8,000 किलोमीटर के आसपास चली हुई, ब्रांड न्यू कंडीशन है। तो इस बाइक का प्राइस सरब क्या मांगता तू? मैं 440 सही है इसके लिए। कह रहा मैं आपनी मैं मांग रहा हूँ 440। तो भाई 4,40,000 रुपये इसका आस्किंग प्राइस है। शोरूम आओ, बाइक की फील लो, बहुत अच्छी बाइक है। जिसको स्टार्टिंग करनी हो ना 650 के सेगमेंट में, उसके लिए बहुत अच्छी बाइक है। और भाई इसके बाद हम दिखाने वाले थे 14R, बट वो नीचे क्लीन होने के लिए गई हुई है, बट इसकी ना वीडियो हमने पहले बनाई थी तो वो आपको वीडियो इसके बाद दिखाया था। उसके बाद आपको अदर ब्रांड्स की बाइक भी दिखाऊंगा। और पाजी ये अगली बाइक जो है, इसको एक टाइम पे हायाबुसा का बाप कहा जाता था। बिल्कुल है ना, पहले तो देख रहे बाइक कितनी चौड़ी है, बंदा कितना सुखड़ा ऊपर। सिमरन तेरी बेइज्जती कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं भाई। हो गया? नहीं पाजी, सुकड़े बंदों की बेइज्जती मत करो, मैं भी सुकड़ा हूँ। फिर भी थोड़ा हुआ है यार। सो पाजी 14R 2014 मॉडल कितनी चली हुई है? 11,000 सिंगल ओनर बाइक के बाद दिल्ली नंबर। एक्चुअली क्या है ना, देखो 14R जो है ना, मतलब मार्केट में अगर आप सर्च करोगे जेनुइन बाइक मिलनी बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। तो ये बिल्कुल जेनुइन बाइक है, हमारी गारंटी है, 6 महीने की गारंटी हमारी तरफ से। गारंटी हम दे रहे हैं, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी 6 महीने के अंदर। मतलब यार सालों साल की प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप 1 लाख चला लो, 2 लाख चला लो, ये 4 सिलेंडर इंजन कुछ नहीं कहते। तो ये कुछ 24 लाख के आसपास इसका लास्ट प्राइस था जब ये बिक रही थी, है ना? तो 24 का 11 भाजी आधा रेट, बहुत अच्छा प्राइस है। एक बार आओ शोरूम, जिनको भूसा लेने का मन है या कोई बड़ी बाइक लेने का मन है तो वो इस बाइक पे देख के एक बार खुश हो सकता है भाई बंदा। बिल्कुल नहीं, बहुत बढ़िया। क्यों सिमरन, रिटेन ना भाई, मेरा भाई है। तो अदर ब्रांड्स में ना मेरे पास क्रूजर्स बहुत ज्यादा थी, तो मैंने किसको बुला लिया देख लो, हमारे पुराने जॉन इब्राहिम को। कहाँ गया हमारा जॉन इब्राहिम? जॉन इब्राहिम चला गया, चला गया हमारा जॉन इब्राहिम। कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको मैं बाइक्स दिखाता हूँ। हंसी मजाक आज नहीं करना राहुल, हमने प्रॉमिस करा हुआ है कि आज हंसी मजाक नहीं, सिर्फ बाइक्स दिखानी है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अदर ब्रांड में हमारे पास सबसे पहली बाइक है स्ट्रीट रॉड, जो की बिल्कुल मेंट कंडीशन के साथ है, 2017 मॉडल है, सेकंड ओनर बाइक है, सिर्फ 13,000 किलोमीटर चली हुई है। और बाइक की कंडीशन आपको दिखाता हूँ जरा। सो आगे से स्टार्ट करेंगे, टायर्स आर ओके, बाकी कंडीशन आप चेक करो यार, मतलब ब्रांड न्यू कंडीशन ऑलमोस्ट। इसमें एक्सेसरीज भी काफी सारी लगी हुई है, लेग गार्ड, फॉग लाइट और बैकरेस्ट, वेंसे 9 एग्जॉस्ट और बहुत अच्छी कंडीशन के साथ। विद ऑल दीस एक्सेसरीज राहुल क्या कहता है, क्या प्राइस होना चाहिए इस बाइक यार? इसका प्राइस होना चाहिए 4,60,000 रुपए मेरे हिसाब से। अरे आप कितने का दे रहे हो? ये भाई को मैंने पूरा सेट करा हुआ, पहले ज्यादा बताता है फिर मेरे से कम करवाता है। तो यार हम जो इसकी डिमांड कर रहे हैं वो 4,40,000 कर रहे हैं, एक्सेसरीज के साथ सारा कुछ इसमें लगा हुआ है, मतलब कुछ लगवाने की जरूरत नहीं है, बाइक ले जाओ और चलाओ, सर्विस भी अभी अभी हुई है। क्यों राहुल? यस, बाकी जो अगली बाइक है ना यार,
अल्टीमेट आपको दिखाता हूँ जरा. सो दिस इज आयरन 883 विद यूपी नंबर. राहुल क्या है भाई, कितनी चली हुई है बाइक? चली हुई है 14,226 किलोमीटर बस. हाँ, और जितने भी लोग हार्ले फैंस होते हैं ना, उनको पता होता है कि आयरन 883 5.5 लाख से नीचे नहीं मिलती है, बट हम जो प्राइस दे रहे हैं ना 4,35,000. सो 4,35,000 इज अ वेरी गुड प्राइस फॉर दिस बाइक. अल्टीमेट कंडीशन, ब्रांड न्यू कंडीशन. एक बार शोरूम आओ, फील लो बाइक की, और अगली बाइक देखोगे ना और मजा आएगा आपको. नेक्स्ट बाइक इज फैट बॉय. राहुल क्या कहेगा मेरे भाई, साफ साफ बता दे. बाइक का ये कहूंगा कि 8000 किलोमीटर ड्रिवन है, काफी कुछ इसके अंदर लगा हुआ है. मार्केट वैल्यू जो है इस बाइक की 13 लाख रुपए के आसपास है, बट हम जो ऑफर कर रहे हैं वो 12,25,000. सो बेसिकली दिल्ली रजिस्टर्ड सिंगल ओनर बाइक है और बहुत सारी एक्सेसरीज लगी हुई है और बहुत अच्छी कंडीशन के साथ ये फैट बॉय है. जिसको भी फैट बॉय लेने का मन है ना भाई, एक बार आना जरूर शोरूम और राहुल से मिल लेना. राहुल क्रूजर्स का मालिक है हमारे यहाँ पे, सारी क्रूजर्स ये बेचता है हमारी. क्यों राहुल? बिल्कुल. चले अगली बाइक दिखाएं आपको. Yes, हमारी अगली बाइक है 750 स्ट्रीट हार्ले डेविडसन की. बेसिक बाइक थी जो कि स्टार्टिंग से लोगों की बहुत अच्छी पसंद रही है, मतलब जिसको क्रूजर्स में स्टार्ट करना होता था ना, इसी बाइक पे जाते थे. सो 2014 मॉडल बाइक है और बहुत अच्छी कंडीशन के साथ. आपको एक बार बाइक दिखाता हूं पहले. तो आगे से अगर स्टार्ट करेंगे ना, पीछे तक देखोगे भाई, एक भी स्क्रैच नहीं है बाइक पे. स्क्रैचलेस कंडीशन और बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन. राहुल क्या कहता है, कितने की होनी चाहिए बाइक? आई थिंक ये 3,20,000 के आसपास. ऐसे राहुल बड़े बड़े मांगता है, फिर एट दी एंड नीचे आ जाता है. राहुल सही बताया, मतलब बेस्ट प्राइस फॉर दिस बाइक. मैं सही में कह रहा हूं यार, 3 लाख ही होना चाहिए, बट वी आर डिमांडिंग 2,65,000 फॉर दिस बाइक. किसी को अगर क्रूजर में स्टार्ट करना है तो वो इस बाइक पे जा सकता है और बाइक खुशी खुशी जा सकता है. हमारी गारंटी है, बाइक में कोई दिक्कत नहीं है. क्यों राहुल? और हम पैसे नहीं, कस्टमर कमाते हैं. अरे वाह, दिल जीत लिया भाई राहुल ने ये बोल के. अगली बाइक दिखाते हैं. कुछ बाइक की वीडियोस मैंने कल ही बना ली थी हरमीत भैया के साथ, क्योंकि आज वो छुट्टी पे थे तो कहते हैं मैं कल वीडियो नहीं बना पाऊंगा. मैंने कहा कोई बात नहीं पाजी, आपके साथ आज ही बना लेते हैं. तो वो बाइक से एक बार देखो, फिर करते हैं वीडियो को एंड. ओए लड़ाई मत करो पाजी. अगली बाइक कौन सी? अगली 502X मॉडल है, 2019 मॉडल है और BS4 मॉडल है. ये हिमाचल रजिस्टर्ड है, 0 किलोमीटर चली हुई है. जो भी आएगा एक बार ऑन टेबल मतलब कर लेंगे, नेगोशिएबल हो जाएगा. जो पैसे वैसे सही कर लो, 5.5 मांग रहे हो? मांग रहे हैं. आस्किंग होती है ना, वो आस्किंग है इसकी. बाकी सबके फाइनल प्राइस बताएं, ये मत बोलना कि बाकी सब भी आस्किंग है. उसके फाइनल थे, इसकी आस्किंग है. ऑन टेबल अच्छा प्राइस कर देंगे और इसके बारे में कुछ हिडन चीजें भी हैं जो आपको ऑन टेबल पता चलेगी. बिल्कुल है ना. अगली बाइक पे है भाजी, चलो आ जाओ. होए राजा महाराजाओं की सवारी पे बैठे हुए राजा. बाजी बताओ ये किसकी बाइक है? ये राजा वो प्रजा. ये हमारी अपनी बाइक है, ये तो बता दो. बताओ अपनी बाइक, पर्सनल बाइक है. पर्सनल बाइक. तो गाइस मैंने आपको पहली भी वीडियोस में ये बाइक दिखाई थी और मैंने ये भी बताया था कि अब हम बेच रहे हैं और उसमें मैंने प्राइस भी बताया था, बट अभी तक ये सेल आउट नहीं हुई है. हम कोई स्पेशल कस्टमर ढूंढ रहे हैं, हर किसी को हम बाइक ये दिखाते भी नहीं है. तो पाजी रोड मास्टर है ना ये? चीफ टैनर्स की रोड मास्टर की किट लगी हुई है. उस टाइम रोड मास्टर आती नहीं थी, तो इसमें रोड मास्टर की किट लगी हुई है जो कि पाजी ऑलमोस्ट जो प्राइस आज के टाइम पे 55 लाख रुपए. तो 55 लाख रुपीज न्यू बाइक का प्राइस है और ये हमारी अपनी बाइक है और वेल मेंटेन्ड है. सेकंड ओनर आप होगे और इस बाइक का हम प्राइस जो मांग रहे हैं वो 32 लाख रुपीज मांग रहे हैं. पहले 33 था बट हमने बात करी तो 1 लाख रुपए पाजी ने कम कर दिए. क्या चाहिए और सिमरन वाली बाइक पे पाजी? ये वीडियो बनी हुई चीज है सर. ये भी मतलब इस पे एक टाइम पे भाजी कंपटीशन हुआ था हार्ले का और ये हार्ले कंपटीशन में एक्सेसरीज के मामले में फर्स्ट आई थी. तो इस बाइक का जो प्राइस है वैसे एक्सेसरीज के साथ कुछ 45 लाख के आसपास बनता है, बट इसका जो हम प्राइस मांग रहे हैं भाजी क्या मांग रहे हैं? 13 लाख रुपए. भाई 13 लाख रुपए में आपको ये चीज मिल रही हो? सोचो एक मिनट देखो, चेक करो. मतलब भाई 13 लाख रुपए, वन ऑफ अ काइंड है. वन ऑफ अ काइंड, सीरियसली ये दोनों बाइक्स ऐसी हैं कि वन ऑफ अ काइंड बाइक्स ही कह लो आप. मतलब किसी को नहीं मिलती भाई ऐसी बाइक्स. इसका जो पेंट जो आप देखोगे ना भाई, इसमें हार्ले की सारी हिस्ट्री उस्ट्री लिखी हुई है. नहीं बहुत अल्टीमेट है और एक्सेसरीज इसमें 15 लाख रुपए की लगी हुई है. अल्टीमेट भाई अल्टीमेट. सो गाइज ये कुछ बाइक्स थी जो मैं आपको दिखा पाया हूँ अभी फिलहाल. कुछ बाइक्स और भी हैं जो मेरे पास नीचे खड़ी हैं सर्विस स्टेशन में. सब कुछ ठीक ठाक हो रही है, मतलब क्लीन वगैरह हो रही है, साफ सफाई करके हम ऊपर डिस्प्ले में लगाते हैं. तो भाई आप शोरूम आओ, जितना भी बजट होगा ना, मतलब देखो 2,35,000 के आसपास 300 दिखाई है आपको, 2,60,000 65,000 रुपये के आसपास आपको मैंने स्ट्रीट 750 दिखाई है. तो भाई आप 750 cc बाइक अगर आपको 265 लाख में मिल रही है, वो भी अच्छी कंडीशन में, तो भाई बहुत बढ़िया बात होती है. बाकी यार मुझे इस चीज़ की खुशी होती है कि लोगों के ना सपने पूरे होते हैं मेरे शोरूम पे आके. मतलब आप सपने छोटे होते ही सोचा होता है कि भाई मेरे को बाइक लेनी है और यहाँ पे आके आपके सपने पूरे होते हैं, तो वो मुझे करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है. हम यहाँ पे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, केक कटिंग करते हैं, एक तरीके की हमारी फैमिली बन जाती है. सो गाइज अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं. मतलब हंसी मजाक वाली वीडियोस चलती रहेंगी, बट ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ मैं बीच बीच में ना आप सबकी. मैं सारी कमेंट्स लाइक भी करता हूँ कि भैया सुपर बाइक का स्टॉक
दिखाओ। तो यार फाइनली आपको दिखाई दिया है। जिसको भी बाइक चाहिए एक बार लैंडलाइन नंबर डिस्क्रिप्शन में मैंने शेयर करा हुआ है उस पर कॉल करके आप कुछ भी पूछो, मतलब बाइक के बारे में पूछो, इंटरेस्टेड कस्टमर ही प्लीज कॉल करना, क्योंकि मैम बहुत ज्यादा परेशान भी हो जाती है, कहती है भाई फालतू के कॉल्स आ रहे हैं कि हर्ष बाबा से बात करा दो, ये कर दो वो कर दो। प्लीज रिक्वेस्ट है जो भी इंटरेस्टेड कस्टमर्स हो सिर्फ वही कॉल करें। तो मिलते हैं भाई इससे भी और अच्छी और अच्छी और अच्छी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। और हाँ भाई मेरे कैमरे का ना यार मेमोरी कार्ड घूम गया था, खीर गंगा का सेकंड व्लॉग आने वाला है, अगली वीडियो वही होने वाली है। मतलब यार अब तो मोस्ट अवेटेड वीडियो बन चुकी है, अल्टीमेट वीडियो बनी थी पहली वाली भी खीर गंगा की, अगर नहीं देखी तो वो भी देखना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर करूंगा, मतलब आप कहोगे यार मजा आ गया। तो चलो यार मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।